ये बंदर ना अभी लेजिट मेरे पास एक फोटो होगी, इस तार पे बैठा हुआ था एंड इस बेचारे के बैठने का था स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल था। ये तो भाई बिल्कुल हमारे पास ही है, देखो साला जब से मैंने फोन पे ट्रेड लेना शुरू करा है ना भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी इतनी ज्यादा औखी हो गई है ना, कहने की हद नहीं। मतलब 7:45 से लेके, देखो ट्रेड तो रात को ही डिसाइड हो जाता है, बट 7:45 से लेके 9:15 तक अपन लोगों को दोबारा से थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है भाई। उस टाइम एक तो मैं हाइपर एक्टिव बहुत होता हूँ, अभी 9:12 हुए हैं, बस 2 मिनट रह गए, मुश्किल से 3 मिनट रह गए ट्रेड शुरू होने में, तो फटाफट इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि एक तो भाई हाइपर एक्टिव हो जाता है बंदा, ऊपर से एंजाइटी बढ़ा, यार यार काश काश कहाँ जाएगा, सपोर्ट ब्रेक होगी, रेजिस्टेंस ब्रेक होएगा क्या भाई। बट चलो कोई ना, एट द एंड अपन लोगों की सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ लग चुकी है, ट्रेड प्लान हो चुका है, होपफुली प्रॉफिट हो। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम, मैं आपको एक बार फिर से मिल रही हूँ, होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज्यादा बढ़िया। और हाँ, इस टाइम पे मैंने बालों पे तेल लगा रखा है, ये एक्चुअली मैंने कल रात से लगा रखा है एंड इसको कल सुबह मैं वॉश करूंगा, ऑलमोस्ट 36 घंटों के बाद, हम 36 घंटों के बाद इसको वॉश करूंगा मैं, ताकि अच्छे से नरिशमेंट मिल जाए। उसके साथ साथ भैया आज ट्यूजडे है तो इस करके वॉश भी नहीं कर सकते, तो आज सुबह सुबह अपन लोग अपने ऑफिस की भी सफाई कराए थे जो तुम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, तो फटाफट चल के ट्रेड करते हैं एंड तुम लोगों को आराम से ट्रेड करने के बाद ही मिलते हैं भाई एंड बताते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ या आज भी हम ऐसे ही लटके रहेंगे। यार देखो, प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना एक अलग बात है, बट अगर तुमने औकात से बाहर अपना टारगेट लगा रखा हो ना एंड वो टारगेट हिट हो जाए ना भाई, वो एक डिफरेंट ही बात है। अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, सुबह तो देखें तो कंघी मैंने नहीं रखी, चलो कोई ना, कंघी की जरूरत है तो फिर कर लेंगे। अभी मेरा टारगेट काफ़ी ही ज़्यादा था, मैं कंघी भी लेने जा ही रहा हूँ यार दिमाग में, कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था भी, चल ठीक है स्टॉप लॉस तो भाई आपके तो आसपास भी नहीं गया ट्रेड भाई, क्या प्यारा ट्रेड हुआ आज, मतलब लेजिट मजा आ गया आज ट्रेड करके। मैंने तेल लगा रखे ना, उसके ऊपर बैनकलावा डाल रखा है, तो वहां जाके जब बैनकलावा उतारूंगा ना तो तेल से सेटिंग करनी पड़ेगी, मतलब कंघी से सेटिंग करनी पड़ेगी। तो बिका तो सीन यही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, पप्पा ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो फटाफट ऑफिस पहुंच के आराम से वहां पे बैठ के बढ़िया सी गेम खेलते हैं। एंड GTA 6 का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है भाई, क्या मस्त गेम बनाई है, मतलब अभी तक तो मेरे को तो पर्सनली काफी ज्यादा अच्छे लगे ग्राफिक्स, बाकी तो वो जब एक्चुअल गेम आएगी तभी पता लगेगा कि कैसी है कैसी नहीं है। सारा तेल लगाने के बाद ना बाल ना बड़े ही ज्यादा चप 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 करने लग जाते हैं। अब अपन लोग तेल तो रिमूव कर सकते हैं नहीं, बट एक चीज जरूर कर सकते हैं, अभी भाई आराम से दोबारा नहा सकते हैं, वो अपन लोग नहा रहे पता नहीं केड़ा फुकरा जा रहा है अपना दोस्ती है। तो भाई अभी का सीन कुछ इस प्रकार है, अभी मैं और गंदम जा रहे हैं एक छोटी सी गेड़ी के लिए, ना सुन दियो, अभी मैं और गंदम जा रहे हैं एक छोटी सी गेड़ी के लिए, हेलमेट दियो एंड अभी बस बढ़िया सी गेड़ी मारेंगे, थोड़ी देर चल मारेंगे, फिर देखते हैं भाई आज क्या क्या प्रोग्राम होता है अपना, क्या क्या नहीं उसके बाद आज के दिन में। तो भाई अभी जो है अपन लोग यहाँ पे आए हैं आर के नुन्नी ऑटोस पे ब्रिगू की बाइक लेके। यस, ये ब्रिगू की बाइक है, जिन लोगों को नहीं पता उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सोल मोटो करके उसका पेज है, मतलब ही जस्ट फ्रीकिंग लव्स टू राइड, मतलब उसके हेलमेट से ही पता लग रहा है कि भाई बंदा प्रॉपर राइडर राइडर है। अरे छोटे हाले की बाइक है, एक अंदर की वो देखो वहाँ पे बैठ रखा है, क्या हंस का है राय है वो। अब यही है भाई, अपन लोग इस बाइक पे काम करवाने आए थे, मतलब इसने इसको क्या कहते हैं ब्लिंकर्स लगवाए हैं, तूने करवाया क्या इस पे? ब्लिंकर्स लगवाए हैं, एग्जॉस्ट चेंज हुआ है और भी काफी सारा काम हुआ है, छोटा मोटा। अभी रैप भी डिसाइड करना है इसकी बाइक का, तो वो भी डिसाइड करेंगे, बट ओवरऑल ये है मस्ती जो पेश होने वाली है जल्दी। एंड इधर वाली साइड से तो भाई इसकी बाइक की और मस्त लुक आ रही है, अभी तैयार नहीं हो रही, देखो तो सही हो, यानी यहाँ पे ब्रिगू जी भी खड़े हुए, से हाय टू द व्लॉग गाइस।
तो चलो बस फटाफट ये तैयार होती है, फिर अपन लोग वापस घर को निकलते हैं। एंड अभी अपन लोगों ने सैंडविचेस वगैरह भी खाए, ये तो बेचारा शर्माई बहुत रहा है। ओहो ब्लश मार रहे हो, जेड़ा बंदा साला जितना ब्लॉग में शर्माता है ना वो ना भाई उतना ही हरामी होता है। क्यों गंदर देख तो सही एक बार इधर को। तो भाई फाइनली अभी महाशय जी की बाइक का तो काम हो चुका है, अब बस ये जैसे जैसे करके एग्जॉस्ट कर छोड़ गया है ना, वो पता नहीं है कैसे जुगाड़ करेंगे, बट ऑटोमेटिकली करेंगे भाई, आप ही जाना। तो भाई मेरे को भी घर जाने की जल्दी हो रही है। ओ भाई तो बैकग्राउंड वगैरह देख के तुम लोग समझ तो जरूर गए होगे भी भाई अपन लोग फाइनली अभी जो अपने घर वापस आ चुके हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:30 इन द इवनिंग। ज्यादा खा लिया वहां पे वो जो बर्गर और पिज्जा अपन लोगों ने पहले ना भाई पटकना, पेट भर गया। अभी थोड़ी देर में देखूंगा, आराम से नहाने जाऊंगा एंड बालों की हालत देख लेगा कि चारों की कैसी सी होगी। कोई नहीं, नहा धोके एकदम बढ़िया तरीके सेट करूंगा, फिर नोना बाबू बन जाऊंगा। हाँ अभी बाइक के पीछे हेलमेट वेलमेट भी डालना पड़ रहा, तो उस करके ना थोड़ी सी ऐसी जैसी फिरगी, बट जो मर्जी करो बाइक का काम हो गया, जो बाइक पेश हुई है ना भाई आउट ऑफ दिस ब्रेकिंग। तो आराम से रिलैक्स करते हैं एंड घर वाले भाई क्यों इतना चीख रहे हैं, 2 मिनट मैं पूछ के आया क्यों बुला। घर वाले ना अभी इनके लिए बुला रहे थे, ये देखो ये कहाँ भाग गए तू। कोई नहीं अभी इनके लिए कुछ खाने को लेकर, वो देखो छोटू सा कितना प्यार है, देख तो सही भाई। ओए बड़ा प्यारा है, चलो इसको ब्रेड पकौड़ा खिलाते हैं अपन लोग। तो इन्हीं के लिए घर वाले अपन लोगों को बुलाए थे, ये देखो कितने ही सारे आ गए वहाँ पे, बच्चे बड़े भाई, ये तो भोकाल ही मच गया भाई। ये बंदर ना अभी लेजिट मेरे पास एक फोटो होगी, इस तार पे बैठा हुआ था एंड इस बेचारे के बैठने का था स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल था, ये तो भाई बिल्कुल हमारे पास ही है देखो, अपने यहाँ पे सारे अपने साथ बिल्कुल एकदम फ्रैंक हो चुके हैं। देखो तो सही कितनी बड़ी आर्मी आ रखी है उनकी।